बुधवार को राजकोट के SCA स्टेडियम में हरियाणा के खिलाफ विजय हजारे ट्रॉफी सेमीफाइनल के दौरान तमिलनाडु के बल्लेबाज बाबा इंद्रजीत बुरी तरीके से चोटिल हो गए, जिसके बाद उन्हें मुंह में टेप लगाकर बल्लेबाजी करने पड़ी। 294 के लक्ष्य का पीछा करते हुए 14 ओवर के अंदर तमिलनाडु ने 53 रन पर 3 विकेट गंवा दिए, जब बाबा इंद्रजीत मुंह पर टेप लगाकर बल्लेबाजी करने आए। इस चोट की वजह से वे 16वें ओवर में उन्हें मेडिकल टीम की मदद भी लेनी पड़ी। हालांकि इंद्रजीत की ये चोट मैदान पर नहीं बल्कि इनिंग के ब्रेक के दौरान लगी थी, जब बाथरूम में फिसलने के बाद उनका होंठ कट गया था। 21वें ओवर में एन जगदीशरन के आउट होने से तमिलनाडु ने 76 रन के स्कोर पर 4 विकेट खो दिए थे। 71 गेंदों में 5 चौकों की मदद से 64 रन की जुझारू पारी के बावजूद विकेट पर बल्लेबाज अपनी टीम को जिता नहीं सके और तमिलनाडु ने 293 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 63 रन से हार हो गई। इंद्रजीत ने मुंबई के खिलाफ क्वार्टर फाइनल्स में तमिलनाडु के लिए नाबाद 103 रन बनाए थे। इस सीजन में खेली 8 पारियों में उनके नाम 1 शतक और 1 अर्धशतक के साथ 300 रन है। हिमांशु राणा के नाबाद शतक और अंशुल कंबोज की शानदार गेंदबाजी की मदद से हरियाणा ने अपना विजय अभियान जारी रखते हुए बुधवार को यहां 5 बार के चैंपियन तमिलनाडु को 63 रन से हराकर पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल्स में प्रवेश किया। हरियाणा फाइनल्स में राजस्थान और कर्नाटक के बीच गुरुवार को होने वाले दूसरे सेमीफाइनल के विजेता से भिड़ेगी। फाइनल शनिवार को खेला जाएगा। हरियाणा ने पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 293 का मजबूत स्कोर खड़ा किया। तमिलनाडु की टीम इसके जवाब में 47.1 ओवर में 230 रन बनाकर आउट हो गई। तेज गेंदबाज कंबोज ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 30 रन देकर 4 विकेट लिए। राणा हरियाणा की जीत के नायक रहे। उन्होंने 118 गेंद पर नाबाद 116 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और 2 छक्के शामिल हैं। उन्होंने सलामी बल्लेबाज युवराज सिंह के साथ दूसरे विकेट के लिए 132 रन जोड़कर टीम को शुरुआती झटके से उभारा। इसके बाद हरियाणा का मध्यक्रम लड़खड़ा गया और एक समय पर उसका स्कोर 6 विकेट पर 206 रन था। ऐसे में सुमित कुमार ने 30 गेंद पर 3 चौके और इतने ही छक्के की मदद से 48 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने राणा के साथ 7वें विकेट के लिए 75 रन की साझेदारी की। तमिलनाडु की तरफ से टी नटराजन ने 3 जबकि वरुण चक्रवर्ती और साई किशोर ने 2-2 विकेट लिए। तो आपको इस खिलाड़ी के जज्बे को देखकर कैसा लगा, अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।